बताओ तो यूज लाइक क्या है, बोल देना। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, हमने अपने लास्ट सेशन में क्या किया था? वेवी कर्व मेथड। ओके, सो वेवी कर्व मेथड की हमने आई थिंक कुछ केसेस, जहां तक मुझे याद है, हमने सारे केस देख लिए थे शायद। सो कुछ क्वेश्चन दू, वेवी कर्व पे सॉल्व करोगे सर? Yes, बेटा। मुझे वो अगर मॉड एक्स आया तो कैसा आएगा क्रिटिकल पॉइंट? बेटा मॉड हमने अभी पढ़ा नहीं है, मॉड हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी। बिकॉज़ मॉड कैसा है ना कि अभी हम पढ़ रहे हैं वेवी कर्व, दैट इज इन इक्वेशन, इसके बाद हम देखेंगे लॉग और उसके बाद हम देखेंगे मॉड, तो मॉड में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वो पूरा टॉपिक ही अलग है बेटा। ओके सर। हां चलो, वेवी कर्व हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं उसके ही कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। एंड इस लेक्चर को आज हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज के जहां पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेवी कर्व के, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। एंड द सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर इट विल बी डेडिकेटेड फॉर योर एप्लीकेशन। आप में से कुछ बच्चों को एप्लीकेशन मिला है, कुछ को नहीं मिला है, बट आई सपोज किसी को भी डिजिटल बुक्स का एक्सेस नहीं मिला है, एम आई करेक्ट? यस सर।
हाँ सो आप सबके डिजिटल बुक्स के एक्सेस में आपको आज प्रोवाइड करूंगा इस लेक्चर में बेसिकली। सो कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर हम वो पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस बेटा सर, अरे ग्रुप में किसी को लिंक चाहिए? हाँ मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके So, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जल्दी से इनको सॉल्व करना, मुझे आंसर बताना। x स्क्वायर माइनस ऑफ 36 द होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x less than or equal to 1 upon x minus 1 minus 1 upon x minus 2। ये दो क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। पहले फर्स्ट पार्ट को सभी लोग सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बताओ। यू हैव 3 मिनट्स का टाइम टू सॉल्व द कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। सर फर्स्ट आंसर डन। ओके बेटा फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे क्या आया। x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस 6 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 6 कॉमा 3 राउंड ब्रैकेट यूनियन 2 कॉमा इनफिनिटी राउंड ब्रैकेट। बेटा थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक किया, एक बार वैल्यूज को चेक करो। जैसे आप मुझे खाली ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू बोलो, फर्स्ट ब्रैकेट में आपने क्या क्या वैल्यू बोले? माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस 6 करेक्ट है, परफेक्ट। सेकंड ब्रैकेट में 6,3 यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक बार चेक करो बेटा। 6 पहले कैसे आ सकता है, छोटा वैल्यू पहले आता है ना हमेशा। आपने लिखने में मिस्टेक किया शायद, आई थिंक लॉजिकली आप करेक्ट हो, एक कुछ सॉल्विंग का मिस्टेक हो रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 3,6 नहीं, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है देखो। ठीक है, एनीवन एल्स गॉट दी सिमिलर आंसर या ट्राई कर रहे हो अभी?
सर 2 मिनट्स या श्योर सर सर सेकंड ब्रैकेट में 2, 3 चलो आई थिंक सबने सॉल्व कर लिया हेलो सर हेलो सर यस शुभ सर एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस सिक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन कॉमा राउंड ब्रैकेट 2, 3 राउंड ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 6 कॉमा इनफिनिटी राउंड ब्रैकेट हाँ बेटा दिख तो मुझे ठीक रहा है चलो किसी और का सेम आंसर आया ओके चलो फर्स्ट पार्ट को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर उसके बेसिस पे हम लोग सेकंड पार्ट को भी चेक करेंगे और फर्स्ट के आंसर को आप सभी लोग कंफर्म करना चलो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने पहला स्टेप क्या किया सर पहले नीचे के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया ठीक है मतलब आपने बेसिकली दोनों टर्म्स को फैक्टराइज किया होगा पहले स्टेप में हाँ सर क्योंकि हमको पता है कि वीवी कर्व मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड इन केस ऑफ फैक्टर्स ठीक है तो x स्क्वायर माइनस 36 को आपने लिखा x माइनस 6 इनटू x प्लस 6 एम आई करेक्ट यस सर ओके यस बेटा डिनोमिनेटर में फिर आपने क्या किया सर इसका नीचे का फैक्टर किया x माइनस 3 x माइनस 2 वेरी गुड नीचे के आपके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 3 x माइनस 2 क्या किसी को इन फैक्टर्स को निकालने में कोई प्रॉब्लम है एनीवन नो सर चलो अब मुझे बताओ इसके बाद का स्टेप क्या था अपना सर क्रिटिकल पॉइंट निकालना वेरी गुड यहाँ पे हम निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट अब मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे 6 वेरी गुड माइनस 6 3 2 6 3 and 2 चलो सबके क्रिटिकल पॉइंट यही आए हैं किसी को क्रिटिकल पॉइंट निकालने में कुछ प्रॉब्लम चलो ठीक है वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या करेंगे इसके अंदर मार्क करना है क्रिटिकल पॉइंट पे वेरी गुड आपको स्टेप याद है 6 और माइनस 6 को 6 और माइनस 6 को मार्क करना है बेटा इनको मार्क क्यों किया इसका रीजन बताओ सर क्योंकि अगर अपन ऊपर वाले को 0 लिख सकते नीचे वाले को 0 नहीं लिख सकते इसके लिए ऊपर वाले फैक्टर्स को मार्क किया करेक्ट है यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है तो इन दोनों को 0 होना पॉसिबल है पर इनका 0 होना पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने इन दोनों को मार्क कर लिया चलो वेरी गुड नेक्स्ट स्टेप क्या था बोलो नंबर लाइन बनाना नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया इसके बाद क्या करते थे पहले नंबर प्लॉट करेंगे -6 -2 -3 6 2, 3 and 6 ठीक है हाँ. यहाँ तक के स्टेप में किसी को प्रॉब्लम कुछ एनीवन नो सर चल ठीक है नेक्स्ट मुझे बताओ इसके बाद क्या करते थे आप सर साइन देंगे अभी हाँ साइन देने के लिए क्या ऑब्जर्व करना पड़ता था सर ये फैक्टर्स के फर्स्ट टर्म x वो पॉजिटिव है सर सभी की कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो लास्ट साइन भी क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव देन माइनस देन अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दूं यस सर ओके चलो अब यहां पे वेवी कर्व बना लेते हैं पॉजिटिव में अपवर्ड नेगेटिव में डाउनवर्ड तो कुछ ऐसा दिखेगा प्लस माइनस अगेन प्लस ठीक है अब अपने को क्या आंसर लिखना है बोलो यहां पे पॉजिटिव आंसर चाहिए अपने को x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस 6 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन राउंड ब्रैकेट 2, 3 राउंड ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 6 कॉमा इनफिनिटी राउंड ब्रैकेट वेरी गुड दिस शुड बी द कंप्लीट आंसर अब मुझे बताओ किस किस का आंसर एग्जैक्टली सेम आया था सर मेरा ओके और सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आया और किसी का नहीं आया सर मेरा सर मेरा वेरी नाइस चलो ठीक है चलो अब उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन सबका करेक्ट आएगा नेक्स्ट सॉल्व करो अप्रोच अगर आपको खाली हिंट चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना
फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करना, फिर राइट को लेफ्ट में शिफ्ट करके सॉल्व करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है बट बी लॉजिकल, आपको आंसर मिलेगा। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर सेकंड वाला डन। ओके बेटा वेरी गुड, आंसर बताओ एक बार। एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस वन कॉमा जीरो यूनियन राउंड नहीं स्क्वायर ब्रैकेट वन कॉमा टू स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं डाउट हुआ है, एक बार चेक करो। बिकॉज थोड़ा सा कैसा है ना कि क्वेश्चन काफी लेंदी है, ऑलमोस्ट 15-20 स्टेप सॉल्व करना पड़ेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। So, एक बार कैलकुलेशन का स्टेप चेक कर लो और कहीं भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सभी टर्म्स डिफरेंट है। एक बार कैलकुलेशन आपका चेक कर लो, आपके कुछ कुछ पॉइंट्स करेक्ट हैं, ओवरऑल पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ना इसमें आपको 5 क्रिटिकल पॉइंट मिलने चाहिए, ये ध्यान रखना बस खाली। आपके आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट 5 नहीं है, थोड़ा कम है। सो एक बार चेक कर लो कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपने मिस किया है, एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक करो, फिर डिस्कस करते हैं। टिल देन बाकी सब लोग सॉल्व करो, आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम सम ऑफ यू।
क्या हुआ, किसी का भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ अब तक? सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं? आंसर के क्लोज हो कि नहीं बताओ चलो, या फिर मैं सॉल्व करूं पूरा? कुछ तो बोलो, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन में? ओके ठीक है, बट आप तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया, दो चार लोग तो सो गए लगता है। आंसर आया कि नहीं आया? सर आप सॉल्व करके बता दो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग चेक करना, खाली मेरा हेल्प करना सोल्यूशन में, ठीक है? बताते जाना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्टेप है। सबसे पहले मुझे बताओ कि इनिशियल पहला स्टेप आपने क्या किया, जो हमने डिस्कस किया था ना कि पहला स्टेप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि आपने अगर स्टार्ट करेक्ट किया तो मोस्टली एंड करेक्ट ही होगा। सो बताओ मुझे कि पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में? यस सर। हाँ सो मुझे बताओ इसको क्या लिखा आपने, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा पहले तो ये बताओ। x into x plus 1, what about the numerator? x
माइनस एक्स प्लस वन द होल ब्रैकेट. वेरी गुड. एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वन द होल ब्रैकेट. इस पार्ट में किसी को भी डाउट? एनीवन? नो सर. चलो अब राइट साइड बता दो. x माइनस वन माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर. अच्छा डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. न्यूमरेटर जो आपने बोला ना उसमें पहले x माइनस टू आएगा बेटा. x माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस वन बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो इस तरीके से अरेंज होंगी चीजें. ठीक है? यस. ओके चलो अब इस स्टेप को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. जहां भी डाउट हो डायरेक्टली पूछ लेना. सो इट विल बी एक्स माइनस वन द होल डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू दिस विल बी एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन द होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. नाउ एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी. अब इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट समझना. लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू. राइट साइड पे भी बचेगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. दोनों साइड माइनस वन को कैंसिल आउट कर दूं? यस सर. यस सर. पक्का? सोच के बोलना. मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है. लॉजिक बताओ. डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूं? क्या ऐसा मैंने इसके पहले कभी कुछ क्वेश्चन में किया था? सो डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करते. मैंने बताया था क्या करना है बेटा इस केसेस में. नेगेटिव अगर आया है तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो. ठीक है? उसका क्या इंपैक्ट होता है? साइन चेंज. यस साइन चेंज होता है. अगर आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया होता या कैंसिल आउट कर दिया होता तो आप साइन चेंज नहीं करते, आप अपने क्वेश्चन को ही बदल देते और फिर आपको आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग मिलता. तो ये चीज को ध्यान रखो कि जैसे अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव कैंसिल आउट किया या नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो हमारा साइन चेंज होना चाहिए. जो साइन लेस देन इक्वल टू का था अब वो साइन हो चुका है ग्रेटर देन इक्वल टू. नाउ अब मुझे बताओ इसके बाद का स्टेप क्या होगा? शिफ्ट करेंगे. यस वेरी गुड. हम लोग आरएचएस को एलएचएस में शिफ्ट करेंगे. तो ये दिखेगा वन अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू. ठीक है? लेस देन और यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट है. अब बोलो इसके बाद क्या होगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद एलसीएम. तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूं? एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू. चलो वेरी गुड. नाउ अब न्यूमरेटर में क्या आएगा ये बताओ? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. एक्स माइनस टू करेक्ट. माइनस माइनस ऑफ इंटू एक्स प्लस वन. वेरी गुड करेक्ट. माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब एक काम करते हैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस टू. यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स. मैंने चुपके से एक स्टेप ना जल्दी से कर दिया डायरेक्टली. आप लोगों को ये स्टेप समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, क्योंकि ये स्टेप टेक्निकली दो स्टेप थे, मैंने उसको एक में सॉल्व कर दिया. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म माइनस एक्स माइनस टू एक्स. तो मैंने डायरेक्टली माइनस थ्री एक्स लिख दिया. एंड माइनस वन माइनस टू दैट इज प्लस टू. नेक्स्ट इज माइनस एक्स इंटू एक्स. तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स. क्या सभी को न्यूमरेटर क्लियर है? सर. यस सर. सर. यस बेटा बोलो. सर पर वो तो पहले से फैक्टर के फॉर्म में ही है ना? हाँ फैक्टर के फॉर्म में है, बट क्या बेटा वहां पे सारे फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है? नो नहीं. तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन या डिविजन में लेके आऊंगा. तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया. अब पता है क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अब कहीं ना कहीं प्रॉपर फैक्टर्स बनेंगे. देखना कैसे, मुझे बताओ माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस फोर एक्स. माइनस फोर एक्स. वेरी गुड. माइनस फोर एक्स प्लस टू द होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब मुझे बताओ इसके बाद का स्टेप क्या होगा? दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल स्टेप. इसके बाद क्या करोगे सर? न्यूमरेटर में माइनस टू कॉमन ले लेंगे. ओके वेरी गुड.
न्यूमरेटर में माइनस टू कॉमन ले लोगे, ये बहुत अच्छा स्टेप था और करेक्ट भी है। माइनस टू आपने कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वन दी होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट हो गया है, एक छोटा सा पार्ट बाकी है, जल्दी बोलो। क्या हुआ इसके बाद सब लोग कंफ्यूज हो गए? सर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ माइनस टू से एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं, माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। यस हाँ बेटा बोलो। सर ये x प्लस वन x माइनस वन का x x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। हाँ लिख सकते हैं, बट मुझे एक चीज बताओ, हमने वेवी कर्व में क्या सीखा था बेटा? वेवी कर्व की बेसिक कंडीशन थी कि फैक्टर्स के फॉर्म में होगा तभी सॉल्व होगा, तो ये ऑलरेडी फैक्टर है, हम उसको फैक्टर से हटाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। फाइनली आपको सॉल्व करने के लिए ये यूज करना है, तो मैं उसको उसी फॉर्म में रख रहा हूँ। हाउएवर आप चाहो तो उसको एक्स स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप शुड बी कि मुझे इस माइनस टू को हटना है। जब इस माइनस टू को मैं हटाऊंगा तो मैं दोनों साइड माइनस टू से डिवाइड करूंगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन इनटू एक्स माइनस वन इनटू एक्स माइनस टू। मुझे बताओ विल देयर बी एनी चेंज इन साइन ऑफ इन इक्वेशन? यस सर। क्या इन इक्वेशन? यस। क्या हो जाएगा बोलो? लेस देन इक्वल टू जीरो। यस लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या मैं बोलूं कि अब जो मेरा क्वेश्चन था वो मेरे स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कंप्लीट हो चुका है? यस सर। चलो अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या था इसके बाद? क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? माइनस वन प्लस वन टू। माइनस वन प्लस वन टू, बेटा एक मिस कर दिया, कौन सा माइनस हुआ कोई बताएगा? यस जीरो मिक्स हो गया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो हाफ आएगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि अगर ओनली एक्स रहा तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो आ जाएगा, तो जीरो माइनस वन प्लस वन एंड प्लस टू। बेसिकली जो पांच क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बोला था ये वही पांच क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट इज क्या मुझे इनमें से किसी क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा? यस सर। विच वन बेटा? वन, हाफ हाफ, वन बाय टू। ठीक है, दैट इज वन बाय टू। अब अगला स्टेप क्या था ये बोलो? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, लेट्स से ये रहा मेरा नंबर लाइन। बोलो सबसे पहले क्या प्लॉट करूं? माइनस वन, माइनस वन, देन जीरो, जीरो, देन हाफ, हाफ, वन, टू, वन एंड देन टू। ठीक है, इस पार्ट में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलो साइन अलॉटमेंट बताओ कैसे? प्लस माइनस प्लस। वेरी गुड, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का अल्टरनेट चलेगा, बिकॉज और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अपने पास, फैक्टर्स सब नॉर्मल फॉर्म में है। सो अब अगर वेवी कर्व को ऑब्जर्व किया तो ये वेवी कर्व कुछ इस टाइप से बन रहा है फाइनल विद पॉजिटिव। अब मुझे बोलो आपको आंसर में क्या चाहिए था, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस वन। राउंड ब्रैकेट ना बेटा, राउंड ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस वन। Union, union, zero comma, round bracket zero comma half, square bracket, half pe square union, bracket correct hai. Round bracket one comma two round bracket, one comma two round bracket. तो इतना simple सा answer था, but I don't know, पता नहीं क्यों आपको ज़्यादा complicated लग रहा होगा. Is there anyone जिसका same answer आया exactly? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल लग रहा होगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ विच इज नॉट दिस मच टिपिकल बट सॉल्व हो जाएगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इस केस का फाइनल आंसर क्या होगा। ये ज्यादा लेंथी भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, हार्डली टू मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इज एक्स प्लस वन द होल डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू माइनस टू। जल्दी से सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो।
सर आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 11 बाय 5 कॉमा माइनस 5 बाय 2 राउंड ब्रैकेट. जस्ट अ सेकंड बेटा, वापस से बोलो एक बार फाइनल आंसर. एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 11 बाय 5 कॉमा माइनस 5 बाय 2 राउंड ब्रैकेट. ओके, आपका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच ओके, कैलकुलेशंस ओके. एक बहुत ही माइन्यूट सा मिस्टेक हुआ है रिगार्डिंग द वैल्यूज, मतलब माइनस 5 बाय 2 और माइनस 11 बाय 5 दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा वो प्रॉपरली डिसाइड करो. आपने वहां पे मिस्टेक किया बेटा मेरे हिसाब से. आउट ऑफ माइनस 5 बाय 2 एंड माइनस 11 बाय 5 कौन छोटा है कौन बड़ा, आपका वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. थोड़ा सोचो और उसको अरेंज करके फाइनल आंसर बताओ. बट यस, आई गॉट द पॉइंट कि आपने सॉल्व पूरा करेक्ट किया है, सिर्फ वो लॉजिकली वो स्टेप का मिस्टेक हुआ है. क्रॉस चेक कर लो एक बार. यस सर. यस सर. एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस 5 बाय 2 कॉमा माइनस 11 बाय 5 स्क्वायर ब्रैकेट. यस, नाउ इट्स परफेक्ट. ओके, एनीवन एल्स गॉट द सेम आंसर? यस सर. चलो वेरी गुड. ठीक है, जल्दी से मैं इस पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ. सो ज्यादा टिपिकल था भी नहीं. सबसे पहला स्टेप आपको जो ध्यान रखना था दैट वाज कि कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करते हैं और इसको हम लिखते हैं प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो. नाउ अब इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं. अरेंज करने का मतलब ये हुआ इसको LCM लेके सिंपलीफाई करूंगा. अप्लाई होगा x plus 1 में तो it will remain as it is. Next is 2 का मल्टीप्लाई 2x plus 5 में तो ये हो जाएगा 2 times of 2x plus 5 less than or equal to 0. Next अपने पास यहाँ पे आ जाएगा x plus 1 will remain as it is. Next is 4x plus 10 upon में again 2x plus 5 less than equal to 0. Now अभी यहाँ पे न्यूमरेटर आपको दिखेगा 5x plus 11, 4x plus x becomes 5x plus 11 upon 2x plus 5 less than equal to 0. यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो मुझे दिखना चाहिए minus of 11 by 5 and minus of 5 by 2. Out of these two critical points, ये minus 11 by 5 जो है ना, this is basically the point जिसको मुझे मार्क करना है, this is crucial. Now, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे आता हूँ. जब नंबर लाइन पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे अपने पास क्रिटिकल पॉइंट दो ही प्लॉट करने हैं. बट अब नाउ आई नीड टू बी केयरफुल. अगर मैं इन जनरल ऑब्जर्व करूँ कि 11 बाय 5 और 5 बाय 2 दोनों में से बड़ा कौन है तो दिस वैल्यू विल बी रफली 2.2 और ये हो जाएगा 2.5. तो ऑब्वियसली 5 बाय 2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 11 बाय 5. बट जब आप दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा. अब ये हो जाएगा माइनस 11 बाय 5 विल बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5 बाय 2. तो यहाँ पे आपके पास पहले आ जाएगा माइनस 5 बाय 2 देन आपके पास आएगा माइनस 11 बाय 5. मैंने डिसाइड कैसे किया ये सबको समझा? यस सर. यस सर. ओके वेरी गुड. चलो अब इसके बाद अपने को देना है साइन स्कीम साइन अलॉटमेंट. तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट पार्ट विल बी प्लस देन माइनस देन प्लस. अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वहां पे सिंपल सा कंडीशन था कि बता दो नेगेटिव किधर है. तो मैं सीधा आंसर करता हूं कि नेगेटिव है माइनस 5 बाय 2 से लेके माइनस 11 बाय 5 जहां पे माइनस 5 बाय 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए बट माइनस 11 बाय 5 इज इंक्लूडेड. तो ये होगा अपना फाइनल आंसर दैट इज ओपन ब्रैकेट माइनस 5 बाय 2 टू क्लोज ब्रैकेट माइनस ऑफ 11 बाय 5. मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को भी कहीं कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? सर वो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया यहाँ पे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट? हाँ सर. ये देखो हमने मार्क किया था क्रिटिकल पॉइंट. हम क्रिटिकल पॉइंट मार्क क्यों करते थे बेटा? उसका रीजन था कि यहाँ पे इक्वल टू होता था. अब इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 11 माइनस 11 बाय 5 सेटिस्फाई करेगा. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप चेक करो, जब आप यहाँ पे माइनस 11 बाय 5 पुट करोगे तो फाइनली यहाँ पे जीरो बन जाएगा एक्चुअली. एंड जीरो इक्वल टू जीरो आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसलिए जिन क्रिटिकल पॉइंट को हम मार्क करते थे उन पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते. लाइक इन दिस केस यहाँ पे हमने 1 बाय 2 को मार्क किया. देखो 1 बाय 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, बाकी सब पे ओपन. नेक्स्ट इसके पहले हम लोगों ने
आई थिंक दो तीन पॉइंट्स को मार्क किया था. यस, सिक्स एंड माइनस सिक्स. तो देखो माइनस सिक्स और सिक्स पे स्क्वायर है, बाकी सब ओपन. तो ये अपना लॉजिक था कि जिनको हम मार्क कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन, उन सब पे हम लोग मार्क करने के बाद उनको क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट. अभी क्लियर है सबको? यस सर. ओके, वेरी गुड. चलो कुछ और क्वेश्चन देख रहा हूँ. केस वन हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना. एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ थ्री माइनस एक्स लेस देन जीरो. इसको सॉल्व करो सभी लोग जल्दी से. आई होप आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पावर की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्या होता है और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्या होता है. याद है कि नहीं? यस सर. यस सर. एक बार रिपीट करना चाहेगा? नहीं, वही तो रिपीट मैं आपसे चाहता हूँ, आप लोग रिपीट करो. कोई बताना चाहेगा मुझे कि इवन पावर पे हम क्या करते थे और ऑड पावर पे क्या करते थे? इवन पावर पे हम साइन चेंज नहीं करते थे. वेरी गुड. जब हमारे पास किसी फैक्टर का पावर इवन है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट से पास करते हुए हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, बट अगर किसी फैक्टर का पावर ऑड है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट से पास करते हुए आपको साइन को चेंज करना है. नाउ दिस वॉज द सिंपलेस्ट लॉजिक. चलो सबको मैंने लॉजिक बता दिया, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ इस क्वेश्चन का. सर, x belongs to minus infinity comma minus three round bracket union one comma infinity round bracket. Okay, ठीक है. Anyone else got the same answer? Okay, very good. ठीक है, this answer is correct. Minus infinity to minus three union one to infinity. चलो एक बार चेक कर लेना कि इस आंसर को हमने सॉल्व कैसे किया और इसका लॉजिक क्या है. सो अगेन अ डिफरेंट कैटेगरी, अ डिफरेंट सेट बेसिकली. सो यहाँ पर मुझे बताना कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या होगा बोलो? माइनस वन. यस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस माइनस को हटाओगे. ये माइनस अपने लिए प्रॉब्लम है. मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन में माइनस दिखेगा तो उसको पहले भगा दो, उसको कुछ मत करो, उसको बाहर निकाल दो. सो यहाँ पे हम वही करेंगे, इस माइनस को हम लोग इस पूरे क्वेश्चन से रिमूव कर देंगे. कैसे रिमूव करेंगे? बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन. जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय नेगेटिव साइन. दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ. नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. तो फाइनली ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो. जो नेगेटिव था उसने अपने इस इनइक्वेशन को बदल दिया, ग्रेटर देन जीरो हो गया. नाउ अब यहाँ पे अपने पास इस केस को अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मुझे बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे?
-3, -2, 1. वेरी गुड, -3, -2, and 1. क्या मुझे किसी क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करने का रिक्वायरमेंट है? -2. नहीं, किसी को भी नहीं बेटा. यहाँ पे मार्क नहीं करते थे, कि यहाँ पे मार्क तब होता था जब अपने पास इक्वल टू साइन है. जो आप मार्किंग बोल रहे हो वो मैं यहाँ नहीं करूंगा, नंबर लाइन पे करूंगा. वो अब यहाँ पे काम आएगा बेसिकली. यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखोगे तो दिस विल बी -3, -2, and 1. नंबर लाइन पे हम उन क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करते थे जिनका डिग्री इवन है. जैसे -2 का डिग्री 2 हो गया तो इसको मार्क कर लो, ताकि आपको याद रहे कि आपको इसके अबाउट साइन चेंज करना ही नहीं है. ठीक है, अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप बोलो. ओके, सो आपने साइन स्कीम स्टार्ट किया. चलो साइन स्कीम की बात मुझे बताना है यहाँ पे. लास्ट को तो प्लस बोल दोगे, चलो इसके बाद बताओ. माइनस, नेक्स्ट बोलो. माइनस, वेरी गुड. अगेन माइनस, नेक्स्ट प्लस, प्लस, प्लस. हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन स्कीम के हिसाब से इसको लिख देते हैं. तो ये आ गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर वापस से नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव. ये बनेगा इसका कर्व. हाँ, yes, अब मुझे बताओ हमको पॉजिटिव चाहिए था या नेगेटिव चाहिए था? पॉजिटिव. क्या होगा अपना आंसर, बोलो फाइनली. x belongs to -infinity, -3. x belongs to -infinity, -3. वेरी गुड. यूनियन 1, infinity. 1, infinity. वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर. मुझे बताओ किस किस का सेम आंसर आ चुका था ऑलरेडी? सर मेरा. सर मेरा. ओके, चलो वेरी गुड. हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करना, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक आल्सो. ठीक है, इसके बाद टॉपिक भी नेक्स्ट सेशन में नया स्टार्ट करने वाले हैं. सो जल्दी से इसको क्लोज करो और फिर अपना जो आगे का पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं. दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू द होल क्यूब multiplied by x minus 3 the whole to the power 5 the whole divided by x square multiplied by x plus 1 the whole cube multiplied by x minus 2 whole to the power 6 greater than equal to 0. चल जल्दी इसको सॉल्व कर लो. स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है, प्रॉपरली प्रोसेस को अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ. सर क्या आप एक बार वो स्क्वायर वाला और रिपीट कर दोगे रूल? वो ऑड इवन वाला बेटा? यस सर. हाँ, उसका रूल ऐसा है बेसिकली, किसी भी फैक्टर के ऊपर अगर इवन पावर है तो जब उस फैक्टर की क्रिटिकल पॉइंट से आप पास करोगे ऑन नंबर लाइन तो देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ साइन, जो इस क्वेश्चन में हुआ था. लाइक यहाँ पे -2 का जो आपके पास फैक्टर था दैट इज x प्लस 2, उस पर इवन पावर था, तो जब हम इस इवन पावर से पास किए तो जो साइन इसके पहले था वही साइन बाद में भी आएगा, दैट इज देयर वोंट बी अ चेंज ऑफ साइन अगर पावर इवन हुआ. बट अगर पावर ऑड है तो आपको कुछ नहीं देखना, जो नॉर्मल प्रोसेस था उसको आपको फॉलो करना है कि साइन चेंज होगा, इतना आपको ध्यान रखना है. ओके सर, थैंक यू. ओके बेटा.
ना एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस टू कॉमा माइनस वन राउंड ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट थ्री कॉमा इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट. ओके वेरी गुड. आई सपोज ऑलमोस्ट करेक्ट. एक छोटा सा पार्ट दैट इज नो दैट इज कवर्ड. ओके फाइन परफेक्ट आंसर करेक्ट आंसर बेटा. सर सर सेम एक्स बिलोंग्स टू square bracket minus 2 comma minus 1 round bracket union round bracket 0 comma 1 square bracket union square bracket 1 comma 2 round bracket union square bracket 3 comma infinity. नहीं बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गया है. एक बार आंसर चेक करो. जो आंसर रितिका ने बोला था वो आंसर आई सपोज इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट. उसमें एक छोटा सा करेक्शन और चाहिए. आई नीड टू चेक दी सॉल्यूशन ऑब्वियसली. So, मुझे बताना कि आपने अप्रोच क्या यूज किया. यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में ही है. सिर्फ एक आपको थोड़ा सा स्टेप का ध्यान रखना है. सो आपका सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया मुझे बताइए इस प्रोसेस के लिए. क्रिटिकल पॉइंट निकाले. ओके व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 प्लस 2. वेरी गुड. 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 प्लस 2 सबके क्रिटिकल पॉइंट यही है. ओके नाउ इसमें से कौन से क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करना है. सर 1 माइनस 2 और 3. वेरी गुड. 1 को मार्क किया माइनस 2 को मार्क किया एंड 3 को मार्क किया. वेरी गुड. चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. चलो ठीक है नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेते हैं. मुझे इन ऑर्डर बताते जाओ कौन कौन सा पॉइंट कैसे आएगा. माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 2 3 1 2 3. Chalo, very good. Do I need to mark any of these points? Yes, sir. Yes, sir. Which one? 1 0 6 1 0 2. Yes. X minus 1 pe square hai, to 1 ko mark kar lo. Very good. Next is X pe square hai, to 0 ko bhi mark kar lo. And then X minus 2 ki power pe even hai, to isko bhi mark kar lo. That is power 2. To in tino ko aapko mark karna tha. Chalo. Ab sign allotment start karte hai. Mujhe bolo. लास्ट पार्ट को कौन सा साइन दोगे. यस दिस वुड बी प्लस देन माइनस माइनस देन माइनस 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 देन माइनस माइनस माइनस. वेरी गुड. देन प्लस प्लस यहां पे गड़बड़ हो गई. यहां माइनस माइनस इट शुड बी माइनस. ओके देन प्लस 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 देन माइनस माइनस माइनस. ओके अब इसका वेरी कर्व प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना. नेगेटिव से स्टार्ट किया है तो बिलो द नंबर लाइन देन पॉजिटिव अबव द नंबर लाइन देन नेगेटिव एक डाउनवर्ड लोप अगेन नेगेटिव अगेन डाउनवर्ड लोप अगेन नेगेटिव अगेन डाउनवर्ड लोप इस तरीके से आया एंड फाइनली इट विल बी पॉजिटिव. इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ बनना चाहिए था. अब मुझे बताओ इस साइन स्कीम में जो मिस्टेक हुआ उसमें आपको क्या नहीं समझा. जिनका भी मिस्टेक था क्योंकि कुछ लोगों ने वहां पे एक साइन गलत बोला था. ऐसा क्यों. हमने तो खुद डिफाइन किया था कि जब आप इस क्रिटिकल पॉइंट से पास करोगे तो आपका साइन अफेक्ट नहीं होगा. अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव. सेम यहां से पास कर रहे हो नेगेटिव का नेगेटिव. सेम यहां से पास कर रहे हो नेगेटिव का नेगेटिव. जब मार्क्ड क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा. तो ये आपका सिंपल सा आंसर था. सबको समझा. यस सर. वेरी गुड. नाउ अब मुझे बताओ फाइनल आंसर बिकॉज यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है. सो बोलो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे. एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस टू राउंड ब्रैकेट. नहीं 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 बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देखनी है. पॉजिटिव वैल्यू यहाँ नहीं है ना बेटा. सॉरी माइनस टू एंड माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस टू कॉमा माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस टू कॉमा माइनस वन पे राउंड ब्रैकेट. करेक्ट राउंड ब्रैकेट. हाँ यूनियन हाँ थ्री कॉमा इन्फिनिटी थ्री पे स्क्वायर ब्रैकेट थ्री से लेके इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट. ओके ये तो एक आंसर हुआ. क्या और कोई इस आंसर में कुछ ऐड करना चाहेगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनकरेक्ट बट दिस इज इनकम्प्लीट. ठीक है ये आंसर तो करेक्ट है पर इसके साथ में एक वैल्यू मिस हो गई है. कोई बताना चाहेगा कैसे और क्या. जीरो. नो बेटा जीरो अगर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. जीरो पे तो अपॉन में जीरो बन जाएगा. इट विल बिकम नॉट डिफाइंड. सो जीरो नहीं. आई वुड से ये आंसर के साथ एक चीज और आनी चाहिए जो आपके लिए शायद थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा. शायद आपको ना पता हो. इट शुड बी यूनियन वन. ये रहेगा इसका प्रॉपर आंसर. कोई बता सकता है ऐसा मैंने क्यों किया. रीजन
सर क्योंकि अपन ने ऊपर मार्क किया था इसके लिए. हाँ अपन ने ऊपर मार्क किया था. और यहाँ पे अब एक चीज समझना, जिस चीज को हम मार्क करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू काउंट हो सकती है, वो वैल्यू न्यूमरेटर का पार्ट होगा तो आपको इक्वल टू साइन से आंसर जीरो मिलेगा. जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर में टेक्निकली देयर वाज नो मिस्टेक, बट उस पूरे आंसर में एक चीज मिस हो गई, दैट वैल्यू वाज वन. क्योंकि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में वन पुट करूंगा तो आप ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना बनेगा अगर आपने x इक्वल टू वन पुट किया. यस जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो. तो आपको ये इक्वेशन ट्रू मिलना चाहिए जो आपके आंसर में कहीं नहीं था. ठीक है, तो मैंने क्या किया समझना, पॉजिटिव के सभी पार्ट लिखे, बट देन आई चेक्ड आल्सो कि जो मेरे जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे, जो स्क्वायर अपना यहाँ पे ब्रैकेट बनाए थे, क्या ये सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं. तो माइनस टू ऑलरेडी कवर्ड था, थ्री ऑलरेडी कवर्ड था, वन वॉज समथिंग जो मिस हो गया था, वन इसमें कहीं भी नहीं था तो मैंने वन को अलग से लिखा. नाउ जो मैं नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था वो कुछ ऐसा है, जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब आप ओपन ब्रैकेट यूज करते हो ए टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब आप बोलते थे कि ए से लेके बी तक के वैल्यू एक्सक्लूडिंग ए एज वेल एज बी. ठीक है, जब आप राउंड ब्रैकेट यूज करते थे तो सॉरी कर्व राउंड नहीं, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज करते थे तो आप क्या बोलते थे कि सर ए से लेके बी तक के सभी वैल्यूज बट इंक्लूडिंग ए एज वेल एज बी. अब इसी में एक ब्रैकेट और भी आता है जहां पे हम मल्टीपल इंटरवल नहीं, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन हम मल्टीपल फंक्शन कॉमा के साथ लिखते हैं. इसका मतलब होता है ओनली ए. ठीक है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी विथ अ कर्ली ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा ओनली ए एंड बी, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं. वो मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया बेसिकली. ठीक है, तो आंसर में आप लोगों ने क्या चीज मिस की वो आपको समझा और उसका लॉजिक क्या था. ओके चलो वेरी गुड. नाउ अब ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग. इसका एक प्रैक्टिस शीट है मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, वो आप लोगों को सॉल्व करना है. अभी अपन थोड़ा एप्लीकेशन का ऑनबोर्डिंग की तरफ जाएंगे. मुझे जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर द लिस्ट विद यू कि अभी आप लोग कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट हो. इस पे ही अपन कमेंट कर लेते हैं, एक सेकेंड होल्ड करना. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर वो ग्राफ वाला पार्ट क्या है? ग्राफ वाला पार्ट मतलब सर, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफ भी है ना, मतलब ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है? नहीं नहीं, वो अभी नहीं है, वो बाद में आएगा बेटा. वो जो चैप्टर है ना, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर कम्प्लीटली पूरा, वो अपने को बाद में आएगा. उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, एलपीपी करके एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, वो उसमें आ जाएगा, डोंट वरी. नहीं बोलनी चाहिए, तुम आ जाओ एक मिनट, खाली वेरीफाई कर लेना. मैं आप सब लोगों का यहाँ पे एक लिस्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग लेक्चर में प्रेजेंट हो. सो कुछ बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मुझे बता दूँ, उसके बाद आपके आपके कोड्स आपको सेंड करता हूँ. स्टार्टिंग विथ आदित्य गहलोत. आदित्य अनम्यूट करो बेटा. हाँ आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? लगता है चला गया. नहीं है? अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है. यस सर. यस सर. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड. यस सर. यस, नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ओके आदित्य, अपना माइक अनम्यूट करो बेटा. यस सर. आदित्य, आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी? यस सर. आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो एप्लीकेशन पे ही कर रहे हो? हाँ सर. ओके ठीक है, अभी आपका कोड पेंडिंग है, करेक्ट है? यस सर. ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन आपको एप्लीकेशन को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम आया? नो सर. और सर. हाँ बेटा. हाँ बेटा. सर मतलब मैं ऐसे कनेक्ट करूँ कि जब व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आते तो मैं ऐप से थ्रू कनेक्ट होता हूँ, या तो फिर मैं लिंक से ही कनेक्ट होता हूँ?
हाँ नहीं, अभी कैसा है ना कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन से ही कनेक्ट करना है सभी को, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल लिंक से कनेक्ट करते हो तो वो डेटा नहीं मिल पाता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम से सभी को एप्लीकेशन पे ही कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको आज लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट अक्षता, अक्षता आपका एप्लीकेशन वर्किंग है प्रॉपरली? यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट इज अमन गुप्ता, अमन आपका एप्लीकेशन वर्किंग है? सर मेरा जीमेल आईडी अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जीमेल आईडी पेंडिंग है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। आर्यन, आर्यन पटाने? यस सर। वर्किंग, ओके ठीक है। ध्रुव? सर मैं ऐप के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पाता लेक्चर। अच्छा, ऐप के थ्रू आपका लेक्चर ज्वाइन नहीं हो रहा है, ओके। क्या इशू आ रहा है बेटा एग्जैक्टली? सर टाइम आउट दिखा रहा है। टाइम आउट दिखा रहा है, ठीक है। ध्रुव, जहां तक मुझे याद है कि मैं आपको एप्लीकेशन का कोड का एक्सेस भी दे चुका हूं। यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू, आपका यहां पे क्रॉस चेक करना है। दिशांक, दिशांक पवार, एप्लीकेशन आपका वर्किंग है बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। दिया, दिया मन्ना, आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग है बेटा? आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा। आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, चाहिए तो आप चैट में टाइप कर दो बेटा, नो इश्यूज। हाँ बिल्कुल ठीक है दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज हर्षिता सिंह, हर्षिता आपके पास एक्सेस है ऑलरेडी? यस। ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज हिनल मकवाना, हिनल? यस सर। एक्सेस आपके पास है ऑलरेडी एप्लीकेशन का आई सपोज? सर एक्सेस है पर मैं जॉइन नहीं कर पाती। ओके, एग्जैक्टली क्या इशू आता है मुझे बताइए। कनेक्टिविटी टाइम आउट। टाइम आउट, ओके ठीक है। और सर मुझे कोड भी नहीं मिला अब तक। हाँ कोड तो मैंने अभी किसी को नहीं दिया है एक्सेप्ट ध्रुव, बाकी सबका कोड मैं अभी अलॉट करूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ओके सर। नेक्स्ट इज इंद्रा शाह, इंद्रा आपका एप्लीकेशन वर्किंग है? यस सर। ओके ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट इज जिया, जिया आपका एप्लीकेशन वर्किंग है? जिया कैन यू हियर मी? ठीक है, नेक्स्ट इज कृषा। यस सर। ओके, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? यस सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज कृष्णांग, कृष्णांग इज देयर? कृष्णांग आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? ठीक है, निखिल, निखिल विश्वकर्मा? यस सर। ओके बेटा थैंक यू। रितिका? यस सर। ओके थैंक यू। शकुंतला गुप्ता, आई थिंक दिस इज, आपका नाम क्या है बेटा? धर्मराज। धर्मराज, ओके धर्मराज, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? यस सर। बेटा एप्लीकेशन पे ना आपका नेम एक्चुअल चेंज कर देना वहां पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो आपका नाम लिखा रहा है वो आपने जूम अकाउंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सो एप्लीकेशन पे जाके यू कैन चेंज द प्रोफाइल नेम, तो वहां पे आपका नाम डाल दो, कंफ्यूजन ना रहे नेक्स्ट टाइम से। ओके सर। या श्लोक, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? यस सर। शुभ रावल? यस सर। ओके, सृष्टि जोशी? नो सर। ओके, आपको एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिला है अब तक? सर मिला है बट इट्स शोइंग टाइम आउट। टाइम आउट ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, सो मुझे जिन लोगों की भी टाइम आउट को इशू है वो सबके दिख गए। इज देयर एनीवन जिसका मैंने नेम मिस किया है, कोई बात नहीं। यस अरुण। हाँ अरुण बोलिए, मुझे आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या फिर आप लिंक से ज्वाइन कर रहे हो? मैं लिंक से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा। मतलब आपका एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है अब तक? नो सर। ओके ठीक है। अरुण आपने व्हाट्सएप पे आपका ईमेल आईडी शेयर किया था मुझसे? यस सर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सो आपका भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है,
अब आप लोगों को क्या करना है समझना, जिन लोगों का भी एप्लीकेशन पर मैंने टिक लगाया है यहाँ पे, जिनका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जिनका नहीं भी कर रहा है, उन सबको भी एक सिंपल चीज करना है, आप सभी लोगों को अपने नंबर से मुझे एक व्हाट्सएप सेंड करना है, ठीक है। उस व्हाट्सएप पे आप क्या लिखोगे, आपका सिर्फ कोर्स, वेदर यू आर अ JEE कैंडिडेट और यू आर अ नीट कैंडिडेट, जो भी आपका कोर्स होगा वो आप मेंशन करोगे, अलोंग विथ योर नेम एंड ईमेल आईडी, ठीक है। ये डिटेल आप मुझे शेयर करोगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे 9909523967, ये आप मुझे शेयर करो। आपके हर एक को मैं पर्सनली एक एक कोड सेंड करूंगा, उस कोड को सेंड करने के बाद हम वापस से एक जूम मीटिंग पे मिलेंगे और उस जूम मीटिंग पे मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोड को अपने को कैसे एक्सेस करना है, कहाँ पे इसको पुट करना है और कहाँ से इसको यूज करना है। नाउ देयर कुड बी सम कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन ऐसा होगा कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका अभी डिसाइडेड नहीं है कि उनका JEE कंटिन्यू करना है या नीट, ऐसे कुछ बच्चे हैं आई सपोज। यस सर। तो बेटा फिर आपके केस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई वोंट बी एबल टू अलाउ यू अ कोड, क्योंकि ऐसा है कि कोड में स्पेसिफिक है, दोनों कोड एक साथ यूज नहीं कर सकते, एट अ टाइम आप एक ही कोड यूज कर पाओगे, तो जब तक आपका डिसीजन हो नहीं जाता थोड़ा सा वेट कर लो उस चीज के लिए, इट वोंट मैटर मच, बट ये है कि आपको अगर गलत कोड मिल गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए जब तक आपका डिसीजन नहीं होता तो आप अभी ये प्रोसेस मत करना। जिनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको JEE या नीट जिनको भी करना है, वो खाली ये डिटेल्स को या प्रोसेस को फॉलो कीजिए, मैं आपको अपने अपने कोड शेयर करता हूँ, ठीक है। सबको समझा एग्जैक्टली क्या करना है? यस सर। Yes, sir. मतलब सर सबको भेजना है ना ये सब डिटेल? हाँ सभी को, आई थिंक किसी को भी कोड नहीं मिला है एक्सेप्ट ध्रुव। यस सर। तो आप सभी को ये सब कुछ शेयर करना है, ये शेयर करने के बाद मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप पे सबको कोड अलॉट करूंगा, वो कोड अलॉट करने के बाद उस कोड के साथ करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा वेट करना, मैं आपको ग्रुप पे एक जीमेल यू कैन से जूम का लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे वापस से मीटिंग पे ज्वाइन करना, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि आपको कोड को कैसे यूज करना है और उसको आगे क्या उसके यूजेस है बेसिकली, ठीक है। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, वापस बोलिए एक बार। वापस ज्वाइन कैसे करना है? आप नया लिंक भेज रहे हो? हाँ हाँ मैं नया लिंक के ये मीटिंग के लिए नहीं, मैं न्यू लिंक शेयर करूंगा बेटा, न्यू लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके सर। टाइम मोस्टली बाय 5 o'clock, ठीक है, आधे घंटे में प्रोसेस पूरा हो जाएगा अपना, तो मोस्टली बाय 5 o'clock हम वापस से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है सर। यस बेटा। सर जिनका टाइम आउट दिखा रहे हैं उनको भी सेंड करना है? हाँ उनको भी करना है, आपका एप्लीकेशन तो एक्टिव हो जाएगा, आपका टाइम आउट का जो इशू है मैं सॉर्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके बेटा। हेलो सर। यस बेटा। Sir, I was having some doubts regarding maths. हाँ, so बोलिए, मतलब exactly कहाँ पे कौन से topic में है ये बताऊँ? Like sir, we were doing in equations, right? So उसमें मैंने I have not attended one of first and second lecture, so I saw the recordings of it. Okay. तो उसमें ना लाइक आई नो हाउ टू अप्लाई द रूल दैट इज लाइक द वेवी कर्व मेथड एंड व्हाट टू डू बट आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। ओके। लाइक आई नो बट लाइक आई गेट कंफ्यूज्ड इन व्हाट टू डू एंड सो आई एम नॉट एबल टू डू द फर्स्ट स्टेप एंड हाउ विल आई एबल टू डू द स्टेप्स व्हिच आई नो। ऑब्वियसली इट्स करेक्ट। ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद इन योर केस इज क्या, आपने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं 1 and 2 एंड देन आपने उसके आगे के लेक्चर अटेंड किए हैं, एम आई करेक्ट? यस सर बट आई सॉ द रिकॉर्डिंग्स। ओके नाउ एग्जैक्टली आपने रिकॉर्डिंग के बाद नोट्स कंप्लीट किए हैं पूरे? यस सर। ठीक है नाउ जस्ट डू वन थिंग, एक बार उस नोट्स को गो थ्रू करना एंड जहां जहां पे आपको डाउट होगा ना जस्ट मार्क दोस थिंग्स कि सर मुझे यहां पे डाउट है। What I'll do is कि मैं एक एक्स्ट्रा सेशन प्लेस करके आपके जो भी डाउट्स हैं इन 1 hour, 1.5 hour उसको प्रॉपरली क्लियर करके एंड फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? Will that be fine? Okay sir, thank you, thanks a lot.
ओके बेटा।